एक्टिवा 3G के अंदर अगर हेडलाइट बल्ब ऑन नहीं होता है और प्रॉब्लम उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने स्विच भी चेक कर लिया है और आपने मतलब इसमें जो जो आप फंक्शन बल्ब चेक कर लिया है, अगर ये चीज़ आपने चेक कर लिया उसके बाद भी आपकी हेडलाइट ऑन नहीं होती है और हेडलाइट की वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो हम आज हेडलाइट की वायरिंग के बारे में उसको बात करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आपने सोचा स्विच भी चेक कर लिया, सारी प्रॉब्लम आपने चेक कर ली, फिर भी आपको प्रॉब्लम फाउंड नहीं होती है, सबसे पहले आपको आना ही जाए। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे इसके RR यूनिट पे आना है। RR यूनिट पे आके आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके वायर को निकालना है। दोस्तों ये पीला कलर का वायर आपको दिख रहा होगा, ये पीला कलर का वायर, ये सीधा हेडलाइट स्विच में जाता है दोस्तों। मगर सबसे पहले आप इसमें देखें कि इसके अंदर से करंट बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कैसे पता चलेगा। अगर सोचो इसके अंदर से करंट ही बाहर नहीं आएगा, ठीक है, इसके अंदर से जितना वोल्टेज इसमें आना चाहिए अगर वो बाहर नहीं आएगा तो दोस्तों तब भी आपकी हेडलाइट ऑन नहीं होगी। तो सबसे पहले आप इसको देखें कि इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, एक मल्टीमीटर होना चाहिए आपके पास, मल्टीमीटर होना चाहिए दोस्तों। इसको हम 20 वोल्ट पे लगा लेंगे, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करना दोस्तों। ये देखो रेड वाले को हम लगाएंगे येलो के अंदर, इधर ही करना, येलो वाले के अंदर लगाएंगे दोस्तों, ठीक है, और ब्लैक वाले को हम बैटरी से अर्थ कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ब्लैक वाले को आपको बैटरी के बॉडी से अर्थ कर देना है दोस्तों। देखो दोस्तों इसमें 6-7 वोल्ट का करंट आएगा, ठीक है। अगर इन केस इसमें 0-0 शो करता है, आपका कुछ शो ही नहीं कर रहा है और 0-0 ऐसा शो कर रहा है, इसमें करंट नहीं निकाल रहा, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें। ये दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया इसके अंदर कि येलो वाले अंदर आपको कैसे करंट चेक करना है, ठीक है। अगर येलो वाले वायर के अंदर आपके कोई भी वोल्टेज शो नहीं करता है दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले ये दो वायर हैं दोस्तों, वाइट और ग्रीन कलर के वायर हैं, ठीक है ना, वाइट और ग्रीन कलर का वायर है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ मेरा, हालांकि ये मल्टीमीटर ख़राब हो चुका है, एसी करंट शो ही नहीं कर रहा है, मैं आपको रीडिंग बता दूंगा दोस्तों इसके अंदर कितनी आनी चाहिए। देखो दोस्तों मल्टीमीटर को कहाँ लगाना है, ये ऑफ कंडीशन में है दोस्तों, ठीक है, और इसके आगे 600 और 200 लग रहा है, ठीक है, आपको 200 पे सेट कर लेना है, ठीक है, और रेड वाले को वाइट में डाल देना है दोस्तों, ठीक है, और ब्लैक वाले को ग्रीन में डाल देना है दोस्तों। आप इसको इस तरीके से डाल के एक बार गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दोस्तों अगर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर ये मेरा, मैं आपको फिर बता देता हूँ दोस्तों, मेरा मल्टीमीटर ख़राब हो चुका है इसलिए रीडिंग कुछ शो नहीं करेगा इसके अंदर एसी करंट की, क्योंकि शॉर्ट हो चुका है दोस्तों ये अंदर से। यहाँ रीडिंग अगर नॉर्मल RPM पे 24 से लेकर 27-28 तक रहता है तब आपकी ये पीछे जो मैग्नेट से करंट आता है इसके अंदर दोस्तों, इसमें ध्यान रखना मैग्नेट से करंट आता है तो आपकी मैग्नेट कॉइल असेंबली सही है। मगर दूसरा एक और चीज़ करके देखना है दोस्तों, इसको आपको हल्का हल्का RPM भी बढ़ाना है, हल्का हल्का, जैसे ही RPM बढ़ाएंगे दोस्तों इसके अंदर रीडिंग आपकी जाएगी, मतलब AC करंट है, जैसे RPM बढ़ाओगे ऊपर करना, जैसे आप RPM बढ़ाओगे, ठीक है, वैसे वैसे इसमें AC करंट की रीडिंग बढ़ती जाएगी दोस्तों। ये रीडिंग चली जाती है 45-50 तक चली जाती है दोस्तों, इससे ऊपर भी चली जाती है जैसे जितना आप RPM हाई करोगे दोस्तों, ठीक है। ये मेरा मल्टीमीटर ख़राब हो चुका है दोस्तों इसलिए ये रीडिंग शो नहीं कर रहा है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा तरीका सोचो, आपने आपको पता नहीं चल रहा है आपका मल्टीमीटर, जैसे मेरा ख़राब हो चुका है और फिर भी आपको, मेरे को भी जैसे अब नहीं पता चले कि ये इसका मैग्नेट कॉइल ख़राब है या सही है, तो आप टेस्टिंग बल्ब भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सोचो मेरा मल्टीमीटर अब ख़राब हो चुका है, मेरे को नहीं पता चल रहा है कि मैग्नेट कॉइल ख़राब है या सही है दोस्तों, ठीक है, तो आप एक वायर को ग्रीन वाले में डालेंगे दोस्तों और एक वायर को आप ग्रीन वाले में डाल दें, ठीक है दोस्तों, और दूसरे वाले को आप वाइट कलर वायर में डाल दें। देखो दोस्तों मैंने इन दोनों में ही डाला है। मनोहर किक मारना आके, इसके अंदर लाइट, बल्ब के अंदर लाइट आएगी, ठीक है दोस्तों, जैसे हम किक मार रहे हैं इसके अंदर लाइट आएगी। बोलिए आप चाबी ऑफ करके भी मार,
ठीक है, अगर ये लाइट आ रही है दोस्तों तो इसकी इसका मतलब आपका मैग्नेट कॉइल असेंबली सही है, ठीक है। मगर मैग्नेट कॉइल असेंबली सही है, मगर एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों कि कई बार क्या है, मैग्नेट कॉइल असेंबली करंट आपका निकालती है, यहाँ पर भी बिल्कुल शो बताता है कि ओके है, मगर कई बार क्या है वोल्टेज बढ़ता नहीं है किसी कारण से, जैसे 24-25 तक रहता है वोल्टेज, मगर उससे ऊपर जाता नहीं है। अगर इस कंडीशन में अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसका मतलब आपका मैग्नेट असेंबली कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। कॉइल असेंबली अगर आपकी सही है या तो मैग्नेट असेंबली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसके अंदर का मैग्नेट कहीं हिल चुके हैं, या मैग्नेट के अंदर जो स्टील की एक पत्ती लगी होती है वो बाहर की तरफ निकल चुकी है, तो ये चीज़ें आप चेक कर लें दोस्तों। इसके लिए बेटर ये रहेगा, ये तो मैंने नॉर्मल तरीका आपको एक टेस्टिंग बल्ब से बता दिया है, मगर इसके लिए बेटर ये रहेगा आप मल्टीमीटर का यूज़ करें, नॉर्मल आरपीएम पे भी चेक करें और हाई आरपीएम पे भी चेक करें दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। नॉर्मल और हाई आरपीएम दोनों ही चेक करना है दोस्तों, नॉर्मल आरपीएम पे भी करंट निकालना चाहिए, हाई आरपीएम पे भी करंट निकालना चाहिए। अगर दोस्तों आपका ये यहाँ से करंट निकल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है आपका मैग्नेट कॉइल असेंबली सही है, ठीक है, तो आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और आपका इसमें से करंट मैंने, ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें फिर RR यूनिट चेंज करनी है, अगर येलो वाले में करंट ना आए तो दोस्तों, ठीक है, येलो वाले में करंट दो कारण से नहीं आएगा, या तो आपकी RR यूनिट ख़राब होगी या मैग्नेट कॉइल असेंबली ख़राब होगी। मैग्नेट कॉइल असेंबली चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, और RR यूनिट ख़राब होगी जब मैग्नेट कॉइल करंट दे रहा है, तो इतनी सी बात है RR यूनिट करंट बाहर नहीं निकाल रही है आपकी लाइटिंग कॉइल के लिए, तब इसलिए आपको RR यूनिट चेंज करनी है, ठीक है। ये लाइट में आप, मैंने बताया आपको 6-7 वोल्ट आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि RR यूनिट में अगर येलो कलर के वायर में से करंट ना निकले तब हमें को क्या चेक करना है। अगर सोचो करंट बाहर आ रहा है RR यूनिट के येलो कलर वायर में से, करंट बाहर आ रहा है, आपका RR यूनिट भी ओके है और मैग्नेट कॉइल भी ओके है, फिर भी करंट और करंट भी बाहर आ रहा है, ठीक है, और फिर भी आपकी लाइट नहीं जल रही है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ठीक है, ये इसके आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ दोस्तों। ये जो येलो कलर का वायर है जो RR यूनिट में से निकल रहा है, ये वाला दोस्तों, ये सीधा वायर उठ के कहाँ जाता है आपके, इधर देखो, ये मैं 3G की बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक्टिवा 3G की, ये सीधा वायर उठ के हमारे हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच में जाता है, ये वाला वायर दोस्तों, ठीक है। कई बार ये पीला कलर का वायर बीच में RR यूनिट से यहाँ से आते हुए टूट जाता है, तब भी यहाँ करंट नहीं आएगा दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगा लें दोस्तों, ठीक है। अगर कंटिन्यूटी पे लगाते हैं, कंटिन्यूटी देखो, सबसे पहले हम लोग को एक वायर येलो कलर में लगा देना है, ठीक है दोस्तों, और एक वायर हमको दूसरे येलो में लगा देना है। अगर यहाँ बीप बज जाती है, आवाज़ कम आ रही होगी दोस्तों, क्यों मल्टीमीटर सही ढंग से आज काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वायर आपकी वायर की कंटिन्यूटी ओके है दोस्तों। अगर बीप नहीं बजता है दोस्तों, तो फिर या तो आप इसको पूरा वायरिंग खोल के बीच में से जहाँ से भी कटी हुई है उसको सही करें, नहीं तो अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से येलो कलर वायर को हल्का सा काट के डायरेक्ट आप यहाँ भी कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों, डिपेंड आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। बेटर ये रहेगा आप पूरी वायरिंग खोल के अंदर से जहाँ फॉल्ट है वहाँ चेक करिएगा दोस्तों, ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, मगर डिपेंड आपके ऊपर है दोस्तों, ठीक है। अगर सोचो आपका यहाँ करंट आ रहा है दोस्तों, और फिर भी आपकी लाइट नहीं जल रही है, ठीक है, फिर भी आपकी लाइट नहीं जल रही है, इसके आगे स्विच लगता है दोस्तों, वो आपने पहले ही चेक कर लिया होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहले आपको स्विच और बल्ब वगैरह ये चीज़ें चेक कर लेनी है दोस्तों, ठीक है, और स्विच चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर इसके आगे देखो, स्विच के आगे हमारा ये वायर जाता है वाइट में ब्लैक कलर का वायर दोस्तों, यहाँ पर आपने चेक कर लिया नीचे की कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है, और इसमें भी वही वोल्टेज करंट आ रहा है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार चेक करके, कंटिन्यूटी जैसे आपने चेक कर लिया, ठीक है, और इसमें भी जैसे गाड़ी स्टार्ट करना, दोस्तों जैसे इसको चेक, यहाँ चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, येलो कलर के वायर को इसको 20 वोल्ट पे ले लेना है, ठीक है, और एक रेड कलर के वायर को येलो में डाल दें और एक को बॉडी अर्थ कर दें दोस्तों। जैसे देखो इसमें दोस्तों 6-7 वोल्ट 8 वोल्ट करंट आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब आपकी गाड़ी का
या करंट आ रहा है, ठीक है, और फिर भी आपकी लाइट नहीं जल रही है। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, ये वाइट में ब्लैक कलर का वायर है दोस्तों, ये सीधा कहाँ उठ के आता है, ये हमारे पास स्विच पे आता है दोस्तों, ठीक है, पास स्विच पे आता है। कई बार बीच में से वायरिंग कटने के कारण, ठीक है दोस्तों, बीच में से वायरिंग कटने के कारण, एक मिनट दोस्तों, देखो ये वाइट कलर का वायर, वाइट में ब्लैक कलर का वायर दोस्तों, ठीक है, ये हमारे हेडलाइट स्विच से उठ के यहाँ आता है दोस्तों। कई बार बीच में वायरिंग कटने के कारण यहाँ तक करंट नहीं आता है दोस्तों, ये हमारे पास स्विच पे जाता है, ये वाले पास स्विच पे, ये पास स्विच पे जाता है दोस्तों। अगर इसमें बीच में से यहाँ से लेके यहाँ तक वायरिंग कटी होगी तो दोस्तों तब भी आपकी हेडलाइट स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही चेक कर लीजिए कि इसकी कंटिन्यूटी ओके है या नहीं है। कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको जैसे बता रखा है दोस्तों, इसके अंदर एक वायर, तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे ले लेंगे और इसके अंदर एक वायर डालेंगे, इसमें वायर डालेंगे दोस्तों और इसके अंदर लगा के देखेंगे। अगर दोस्तों इसमें बीप बज जाता है तो इसका मतलब आपकी ये वायरिंग ओके है और तब भी आपकी लाइट नहीं ऑन है, फिर आप क्या चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है, ये पास स्विच आपने चेक कर लिया है, ठीक है, पास स्विच के अंदर फिर आप ये वाला वायर चेक करेंगे दोस्तों। ये दो वायर होते हैं, ये दोनों कहाँ जाते हैं दोस्तों, ये आपके हेडलाइट स्विच के ऊपर, ये हेडलाइट पे जाते हैं, सॉरी स्विच नहीं, हेडलाइट पे जाते हैं दोस्तों। ये वाइट कलर का वायर और ये देखो वाइट कलर का वायर, ये ब्लू कलर का हाई बीम है वाइट, लो बीम है ब्लू, ठीक है दोस्तों। ये दोनों वायर यहाँ उठ के आते हैं दोस्तों। अगर ये वायर भी बीच में अगर कट जाते हैं दोस्तों, ये दोनों वायर, तब भी आपकी हेडलाइट ऑन नहीं होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक। ये तो मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव वायर का कि इसमें पॉजिटिव करंट नहीं आए तो। अगर दोस्तों नेगेटिव करंट नहीं आता है तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को ले लेना है। इसमें दोस्तों अगर ये सारी वायरिंग सही है, अगर यहाँ पॉजिटिव करंट आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी चेक कर लेना आपको कंटिन्यूटी पे कि यहाँ से वाइट वाले का कंटिन्यूटी पूरी ओके है, ब्लू वाले की कंटिन्यूटी ओके है, ठीक है, तो फिर अगर नहीं है तो यहाँ वायर डायरेक्ट जोड़ दें या बीच में से रिपेयर कर दें दोस्तों, फिर आपकी हेडलाइट ऑन हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी हेडलाइट ऑन नहीं होती है दोस्तों, तो फिर आप इसमें एक बार ये चेक कर लें कि इसमें अर्थिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। अर्थिंग को आप सबसे पहले नंबर पर चेक कर लीजिएगा, ये अच्छा रहेगा, जो मैं आपको बताना भूल गया। सबसे पहले नंबर पर ही आप अर्थिंग चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अर्थिंग चेक करने का तरीका यही है कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रखना है दोस्तों, ठीक है, और अगर आप बीप बज जाती है तो इसका मतलब इस वायर में अर्थिंग आ रहा है, दिखाना, ये ग्रीन वाले वायर में अर्थिंग आ रहा है दोस्तों। अगर इसमें बीप नहीं बजती है तो आप नॉर्मली क्या है, यहाँ से इसको बॉडी से कहीं से भी अर्थ दे सकते हैं, जैसे यहाँ से दे दें या यहाँ से दे दें, या वायर कहीं से टूटा हो उसे सही कर दें, वो डिपेंड आपके ऊपर है दोस्तों। इसको यहाँ से कट करके आप या तो बैटरी के यहाँ से दे दें या बॉडी से कहीं से भी दे सकते हैं दोस्तों, इसको अर्थिंग दे दें दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया है कि हेडलाइट अगर ऑन नहीं होती है तो आपको एक एक वायर कैसे कैसे चेक करना है, ठीक है। वायरिंग के बारे में बताया है दोस्तों, हेडलाइट की वायरिंग के बारे में, स्विच आपको पहले ही चेक कर लेने हैं, बल्ब आपको पहले ही चेक कर लेने हैं, और जो लास्ट में मैंने आपको एक प्रोसेस बताया है अर्थिंग वाला, वो भी आपको सबसे पहले चेक कर लेना है दोस्तों। कि आप अर्थिंग नहीं आ रहा और आप सारा फंक्शन खोल के बैठ जाएँ, तो सबसे पहले आप अर्थिंग चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कम्प्लीट बता दिया है कि हेडलाइट की वायरिंग में अगर हेडलाइट नहीं जलती है तो क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं और कैसे कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है।